So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Unacademy Studios Placebo. मैं हूँ आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द हार्मोनल सिस्टम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड जिस एनिमल का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ले रखा है एज अ रेफरेंस दैट इज बेसिकली यू गाइज इट मीन्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हार्मोनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स टूगेदर ओके सो आपकी बॉडी में कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं किस तरीके से वो एक्ट करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर सेल उस पूरे प्रोसेस के बारे में उस पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं सो इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव एग्जैक्टली गॉन थ्रू इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट द प्लांट हॉर्मोन्स सो हमने जब अपनी डिस्कशन की थी इन प्लांट्स सो वी गॉट टू नो अबाउट 5 इंपॉर्टेंट नेम्स और उन हॉर्मोन्स को आप लोग कह रहे थे पीजीआर पीजीआर का मतलब होता है दोस्तों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इट मींस दैट प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कौन रेगुलेट करता है वो बेसिकली आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रेगुलेट करते हैं या फिर इन्हें आप लोग जो है प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं सो देर आर 5 नेम्स विच यू मस्ट अंडरस्टूड इन द प्रीवियस क्लास द वेरी फर्स्ट वन इज ऑक्सिन सो ऑक्सिन इज अ ग्रोथ स्टिमुलेटर ये ग्रोथ को बढ़ाता है द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वॉज द जिब्रेलिन ये भी आपकी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा था ये गन्ने में आपकी जो इंटरनोडल लेंथ है उसको इंक्रीज कर रहा था देन द थर्ड वन इज बेसिकली योर साइटोकाइनिन सो यहाँ पर द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस हॉर्मोन साइटो का मतलब होता है दोस्तों आपका सेल एंड काइनिन एक वर्ड है जो कि बना हुआ है वर्ड काइनेसिस से ओके सो काइनेसिस का मतलब होता है दोस्तों डिविजन यानी कि ओवरऑल सेल डिवीजन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन का है वो होगा आपका साइटोकाइनिन एंड इफ द साइटोकाइनिन इज हेल्पिंग इन द डिवीजन ऑफ सेल्स इट विल बी हेल्पिंग इन द ग्रोथ डायरेक्टली जाहिर सी बात है अगर आपका साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन में हेल्प करा रहा है एक से आपके दो बनेंगे दो से देन आपके यू नो फर्दर चार सेल्स बनेंगे सो इफ इट इज हेल्पिंग इन ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस दैट इट इज हेल्पिंग इन द ग्रोथ अगेन ओके देन मैंने आपको दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम बताए थे जिनका रोल थोड़ा बहुत इनहिबिटरी था सो द वेरी फर्स्ट वन वॉज ए बी ए ओके ए बी ए मीन्स योर एब्सिसिक एसिड ओके एब्सिसिक एसिड जो है आपका यहां पर प्रेजेंट होता है एंड द फिफ्थ वन इज अ गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कॉल्ड एज इथाइलिन सो आप कहीं पर मेंशन कर सकते हैं कि इथाइलिन इज अ गैस And you can also make its structure. अगर आपने organic chemistry अभी तक थोड़ी बहुत भी पढ़ी है अगर आपने the nomenclature of substances, the nomenclature of hydrocarbons के बारे में पढ़ा है तो आप जो है ethene को आसानी से draw कर सकते हैं ethene में आपका क्या होगा आप अगर नाम को break करके देखें ith. So ith कब आता है myth, ith, prop, but इस तरीके से आप लोग जो है nomenclature की शुरुआत करते हैं So myth के बाद ith आता है इसका मतलब दो कार्बन का ये सब्सटांस होगा इन का मतलब यह है कि यहां पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जाहिर सी बात है दो कार्बन का कंपाउंड है एक बीच में डबल बॉन्ड है लगा दो और बचे हुए की स्टेबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन से यू नो कर दो इसको स्टेबल सो दिस विल बी योर इथीन और दिस विल बी योर इथाइलिन एंड इट इज गोइंग टू बी अ गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नाउ देर आर टू इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स जो कि आपस में क्या करते हैं एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं So, gibberellin is also called as your GA hormone. Okay? GA का मतलब होता है, इसे आप बोलते हैं gibberellic acid. Okay? Gibberellic acid इसे आप बोलते हैं. और आप एक और वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर ABA, that is your abscisic acid. Since इन दोनों के नाम में ही आपका acid आ रहा है, so ये कहीं ना कहीं acidic behavior show करते हैं. अगर आप एक pH scale यहाँ पर draw करेंगे, started from very low pH, and after that neutral pH यहाँ पर present होगा 7, और बहुत हाई पीएच तक आप लोग जो है जाएंगे सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यू बेसिकली गोज टू द 14 ओके यहां पर जो है आपका मैक्सिमम पीएच प्रेजेंट रहता है सो आपको अगर पीएच स्केल के बारे में पता हो ये वाला जो जोन होता है इसको आप लोग कहते हैं एसिडिक जोन और ये वाला जो जोन होता है जो 7 से ज्यादा होता है इसे आप बोलते हैं बेसिक जोन और द अल्कलाइन जोन तो ये जो एसिडिक जोन रहता है मेरे दोस्तों इस एसिडिक जोन में आएंगे आपके दोनों के दोनों एब्सिसिक एसिड नाम में ही एसिड है एंड जिब्रेलिक एसिड इसके भी नाम में एसिड है ओके सो बेसिकली
आपके जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम है ये आपको काफी कुछ सजेस्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन, सो ऑक्सिन का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब ही होता है ग्रोथ। जैसे कि अगर आपको किसी प्लांट की ग्रोथ नापनी है तो आपके लिए एक स्पेशल जो है वहां पर डिवाइस आता है और उस डिवाइस का नाम है ऑक्सिनोमीटर। ओके, जैसे आपका थर्मोमीटर होता है थर्मो यानी टेम्परेचर को नापने के लिए, सिमिलरली ये जो आपका मीटर होता है ये आपका ऑक्सिनोमीटर होता है जो कि आपके ग्रोथ को मेजर करता है। ओके, सो ऑक्सिनोमीटर में जो ऑक्सिनो वर्ड है ये ऑक्सिन से डेराइव किया हुआ है और ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रोथ। सेकेंड इज योर जिब्रेलिक एसिड। ओके, सो जिब्रेलिक एसिड, ये जो जिबरलिन वर्ड है ये आपका एक ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ है, एक फंगस के नाम से लिया हुआ है और उस फंगस का नाम था जिब्रेला। सो सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड जिस ऑर्गेनिज्म में पाया गया था उस ऑर्गेनिज्म का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। सो उस जिब्रेला नाम के ऑर्गेनिज्म पर जिबरलिक एसिड का नाम रखा गया। सो जिबरलिक जो वर्ड है वो जिब्रेला से आया और एसिडिक इसका नेचर था, इसीलिए इसके नाम के पीछे हमने एसिड लगा दिया। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर था जो बेसिकली आपका सेल डिवीजन में हेल्प करा रहा था, तो साइंटिस्ट ने सोचा इसी हिसाब से इसका नाम रख दिया जाए तो और बेहतर रहेगा। इट विल बिकम रेलेवेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड और बेसिकली वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम इट्स नेम। सिमिलरली इथाइलिन, दिस नेम इज जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज इथीन। ऑलराइट, सो इट्स नेम इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। देन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये बेसिकली आपका एब्सिशन में इन्वॉल्व होता है। एब्सिशन क्या होता है दोस्तों, एब्सिशन इज अ फेनोमेना वेयर योर लीव्स पीरियोडिकली फॉल फ्रॉम द ट्री। आपने देखा होगा जो पतझड़ का मौसम आता है उस टाइम पर आपकी जो ट्रीज होते हैं उन पर से पत्ते गिरने लगते हैं। ओके, और ये एक साइक्लिक चेंज होता है, ये हर साल होता है। अगर हर साल आप पतझड़ के मौसम में पेड़ों को देखेंगे तो उनके पत्ते झड़ जाते हैं, दिस इज बेसिकली द एब्सिशन। ओके, सो इस एब्सिशन में जिसका रोल है जिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, उस पीजीआर का नाम है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि उसका नेचर थोड़ा बहुत एसिडिक है और वो आपका एब्सिशन में रोल प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनिमल हार्मोन्स इन डिटेल। सो सबसे पहले तो हम एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा उनका फंक्शन होता है, कैसा उनका नेचर होता है, हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर यू नो सेल, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड एंड वी विल हैव अ लुक एट द डायग्राम दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी टू कंपेयर द मेल एज वेल एज फीमेल, क्योंकि इन दोनों में जो हॉर्मोन्स होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल भी सेम नहीं होते 100% केसेस में। ओके, देर आर सम हॉर्मोन्स जो कि दोनों में कॉमन होंगे बट जो सेक्स हॉर्मोन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। यू नो वेरी वेल कि हमारे अंदर की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वी डू हैव सम ऑर्गन्स विच आर एब्सेंट इन केस ऑफ फीमेल्स एंड द फीमेल्स विल बी हैविंग सम ऑर्गन्स एंड सम इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फेनोमेना विच आर एब्सेंट इन मेल। फॉर एग्जाम्पल द स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स इन मेल बट द एग फॉर्मेशन अकर्स इन फीमेल। द ब्रेस्ट आर मच मोर डेवलप्ड इन केस ऑफ फीमेल बट द ब्रेस्ट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल। ओके, सो दे डू हैव डिफरेंट फेनोमेना। वहां पर जो है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एग फॉर्मेशन होता है, मेल में ऐसा कुछ नहीं होता। सो ओवरऑल जो बाकी बॉडी के हॉर्मोन्स रहेंगे वो काफी कॉमन रहेंगे। इफ यू विल टॉक अबाउट थायराइड, वो दोनों में सेम रहेगा, पिट्यूटरी सेम रहेगा, हाइपोथैलेमस सेम रहेगा, एड्रिनल ग्लैंड सेम रहेगा, पीनियल ग्लैंड सेम रहेगा। सो देर आर अ लॉट ऑफ ग्लैंड्स विच आर गोइंग टू बी कॉमन ऑब्वियसली, बट द सेक्स हॉर्मोन्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। सो जैसे जैसे हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में घुसेंगे हमें सारी चीजें पता लग जाएंगी कि मेल में कौन से प्रेडोमिनेंट सेक्स हॉर्मोन्स हैं और फीमेल में कौन से प्रेडोमिनेंट सेक्स हॉर्मोन्स हैं। सो आई थिंक दैट दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड जो है ये लेक्चर है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होने वाली है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन। माय नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि अभी तक यू नो मैं कर चुका हूँ, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक, यू कैन जस्ट रीड देम बाय पॉजिंग दिस वीडियो, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड। सो गाइज वी आर वेरी एक्टिव ऑन टेलीग्राम, सो ऑल द एजुकेटर्स ऑफ टीम प्लेसिबो आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन टेलीग्राम। What you have to do is you just have to install this app from Google Play Store. You just need to open this app और आपको search icon पर जाकर जो है हमारा नाम search करना है, that is NEET Placebo. जैसे ही आप लोग हमारा नाम search करेंगे you will be directed to the group and you will be a part of that group now. So basically आपको हमारी जितनी भी free special classes होती हैं on Unacademy Plus platform उनकी सबसे important notifications timely basis पर मिलती रहेंगी।
So you will never miss an update from our end. Second important thing, all the YouTube session, jitne bhi YouTube sessions hote hain doston, foundation ke ya NEET ke, un sab ke bare mein aapko important jankari milti rahegi. So just make sure that you just subscribe to our Telegram channel as well, so that aapko sari information milti rahe aur aap apne aapko updated rakh sake. Now this is for the very first time in India that the NEET mentors are going to train you guys for your NTSC examination, for your NSO examination, as well as for your, you know, different kind of Olympiads that you are going to face in your 9th and 10th class, as well as aapke subjective exam jo 9th or 10th mein honge. So we do have a team of teachers who has taught a lot of students for NEET and IIT JEE. Jo biology ke teachers hain, unhone NEET ke kafi sare aspirants ko abhi tak padhaya hai, aur jo chemistry aur physics ke teachers hain, wo abhi tak kafi sare NEET aur IIT JEE aspirants ko padha chuke hain. So he is Mr. SP Gautam, and he has a lot of experience in the field of NEET. He has a lot of students who got admitted to, you know, top medical institutions of India. So he is going to teach you biology over here. The second mentor is me. I am also going to teach you biology. I have mentored a lot of students who are in very good medical colleges right now. I have given them online coaching, as well as main kuch hi student ko jo hai personally padha pata tha. So un students ke bhi bahut bahut acche colleges mein admission ho chuke hain. So basically I am also going to guide you, and I am also like going to teach you biology over here. Then we do have Harshit Jhalani sir, who is a very good mentor of chemistry. He has taught a lot of students for IIT JEE and NEET. So he is going to teach you chemistry. Other than that, we do have JP Chauhan sir, who is going to teach you physics. We do have math faculty and so on. So basically we do have a team of very good and experienced mentors who are going to guide you guys for your NSO, for your NTSC, and for your subjective examination in 9th, 10th, 10th class. So now let me tell you about the Plus platform. जैसे आपका YouTube है, वैसे ही आपका education के लिए Plus platform होता है. It is a personalized platform of Unacademy, जहां पर आप लोग paid courses जो है उनमें participate कर सकते हैं. And after that हम लोग जो है आपको regular basis पर class देते हैं. जैसे आपके tuition होते हैं कि हाँ 5 से 6 मैम की क्लास है ही, 5 से 6 सर की क्लास है ही, सिमिलरली हम आपको 2 से 3 लेक्चर जो है दिन के देते हैं, जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सके. सो यहाँ पर आपकी थ्योरी का पूरा जो कंटेंट है वो तो कंप्लीट होगा ही फ्रेंड्स. यहाँ पर आपको क्विजेज भी दी जाएंगी. दोज क्विजेज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज दीज क्विजेज एंड मॉक टेस्ट आर गोइंग टू बी ऑफ द वेरी सेम पैटर्न जिसकी आपको जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे जो टेस्ट होंगे ये आपके एनएसओ के पैटर्न के ही होंगे. Second important thing, that all your doubts would be clarified by the top faculties of India. So basically if you got any doubt during the class, kyunki class jo hai live hongi, jaise aapko aapki aap classroom mein baithte hain to teacher jaise aapko samne aakar padhata hai, similarly waise hi hum aapko jo hai aapke laptop par aake padhayenge, aapke mobile par aake padhayenge, aur aap usi time par humse jo hai doubt pooch sakte hain. Agar aap baad mein koi question solve kar sakte hain to karte hain, to aap baad mein bhi humse doubt pooch sakte hain. All right. और अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, आपको अपने टीचर के बनाए हुए नोट्स मिलेंगे. सो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं आप लोगों के लिए और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है. एंड दिस इज द पर्सनलाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग, यानी यू कैन जस्ट कन्वर्ट योर मोबाइल स्क्रीन और योर लैपटॉप स्क्रीन इनटू योर क्लासरूम एंड यू कैन जस्ट एंटर इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन. यू डोंट नीड टू पॉन्डर ऑन एनीथिंग एल्स. आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड. कान में ईयरफोन लगाओ और अपनी क्लास जो है एंजॉय करो. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोगों के साथ रजिस्टर कैसे करना है. आपको सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है दोस्तों वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. उसके बाद आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का. उस गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जो है क्लिक करना है, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट गेट सब्सक्रिप्शन बटन आपको एक रेफरल कोड एंटर करना है जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके. बिकॉज अगर आप डायरेक्टली फीस पे करेंगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा. सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप विपिन लाइव नाम का जो ये कोड है इसको इंसर्ट करें. मेरा नाम विपिन है एंड आई यूज टू टीच यू लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. सो आप जो है अगर विपिन लाइव नाम का ये कोड इस्तेमाल करेंगे सो आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस दैट यू आर गोइंग टू टेक. सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारा तो उससे आपके पैसे बच जाएंगे, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. नाउ व्हाट आर द फीस पैकेजेस. अगर आप 3 महीने का कोर्स हमारे साथ लेते हैं दोस्तों, सो बेसिकली आपको जो पैकेज मिलेगा वो पैकेज मिलेगा आपको 7,800 रुपीज का. विपिन लाइव लगाने पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. अगर आप 6 मंथ्स का कोर्स लेना चाहते हैं सो अकॉर्डिंग टू 7,800 आपका 15,600 कुछ का पैक होना चाहिए 6 महीने का, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 12,000 रुपए में जो है ये पैक मिल जाएगा. सिमिलरली जो आपका 1 साल का पैक है, अगर आप 3 महीने की फीस देखें 7,800 रुपए है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 30,000 के आसपास फीस होनी चाहिए आपकी 12 महीने की, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको
15,750 रुपए के आसपास, यानी 50% में ही आपका पैक मिल जाएगा। सो अगर आप विपिन लाइव कोड लगाते हैं और आप कोई बड़ा सब्सक्रिप्शन हमारे साथ लेते हैं तो ऑब्वियसली वो सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर प्राइसेस पे मिलेगा। और अगर आप 2 साल के लिए हमारे साथ एनरोल होते हैं तो आपको पर मंथ सिर्फ 1,000 रुपए देने हैं और आपको 5 या 6 टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअली। सो इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि सिर्फ 1,000 रुपए दे रहे हैं आप लोग, यानी आप लगभग ऑन एन एवरेज 150 रुपए दे रहे हैं सिंगल टीचर के लिए और आप 1 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं एक टीचर से। ओके, सो बाकी टीचर्स आपको बहुत सारा कंटेंट देंगे एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू क्रैक ऑल योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th क्लास, देन जस्ट मेक श्योर दैट यू गेट अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस एंड यू गॉट टॉट बाय द टॉप मेंटर्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन्स इन एनिमल्स। ओके, एंड वी आर गोइंग टू टेक द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आफ्टर दैट। सो हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन एनिमल्स, यानी प्लांट्स में हम पढ़ चुके हैं दैट इट इज क्वाइट क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि जो आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या फिर जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स बोल रहे थे वो सही जगह जाकर अच्छे तरीके से एक्ट करें। सिमिलरली आपके हार्मोन्स भी जो हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रोल अदा करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिसाइज वे में कंट्रोल करते हैं हर चीज को। सो सबसे पहले तो न्यूरल कंट्रोल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ह्यूमंस का। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ब्रेन, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द न्यूरॉन्स। सो जब आप ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जब आप स्पाइनल कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर न्यूरॉन्स, व्हेन यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर नर्व्स, देन यू कॉल इट द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज योर न्यूरल पार्ट इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर केस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट हार्मोन्स इट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन का मतलब होता है दोस्तों हार्मोन सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स। ओके, सो बेसिकली मैं आपको ग्लैंड्स और हार्मोन का चक्कर बताऊंगा। सो एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन के बेसिस पर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, एंड सिंस ह्यूमन बीइंग्स हैव बोथ टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दे आर गोइंग टू हैव न्यूरल कंट्रोल ऑल्सो, दे आर गोइंग टू हैव द एंडोक्राइन कंट्रोल ऑल्सो। सो यहां पर इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं और इन दोनों को जिस ब्रांच के अंडर आप स्टडी करते हैं, दैट branch of biology is called as neuroendocrinology. Okay, so neuroendocrinology is a branch of biology that used to talk about the neural control and coordination as well as the hormonal control and coordination. Now, अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहानी हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कहानी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है अभी, क्योंकि आज हम उस कहानी के कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आगे आने वाले 2 मिनट आप इस कहानी को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने कि हम जो है पूरे तरीके से न्यूरल कंट्रोल पे क्यों नहीं रिलाय कर सकते। हमारे पास इतना अच्छा दिमाग है, हमारे पास इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, देन व्हाई कांट वी रिलाय ऑन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ईच एंड एवरी टाइम। जब हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है तो हमें सारा का सारा काम जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ही लेना चाहिए, हार्मोन या केमिकल का यूज हम क्यों करें। सो देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस। Let's say this is a neuron. Okay, let's say this is a neuron. Now, this neuron has a connection with some other neuron also. It means that 2 neurons are present in proximity. Ye dono neurons aapas mein padosi hain. And there is a cell jis tak aapko signal pahunchana hai. Samajh lijiye, ye wo cell hai jo main abhi bana raha hoon. Ye wo cell hai jis tak aapko signal pahunchana hai. Lekin ye wala cell jo hai, ye wala aapka neuron se connected hai. Okay? So now what is going to be the consequence of this electrical impulse? जब आप electrical impulse generate करते हैं guys, तो होता क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। For example, you got a sense from here. Okay, your dendrite got a signal और उस signal पे आपको response करना है। So from the signal that the dendrites got, this signal is transferred to the cyton and after that it is transferred from the neuron. So, यहां पर ये जो न्यूरॉन है यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के फॉर्म में आपके जो सिग्नल है ये ट्रांसफर करे गए। सिमिलरली अब यहां पर आपका केमिकल सिग्नल जनरेट होगा, उसके बाद दोबारा आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा एंड इट इज गोइंग टू गिव दिस सिग्नल और ट्रांसफर दिस सिग्नल टू द सेल। नाउ दिस सेल इज कनेक्टेड टू द न्यूरॉन, सो द सिग्नल कैन बी ट्रांसफर टू दिस सेल। लेकिन इस सेल को तो सिग्नल चाहिए ही नहीं।
सिग्नल तो हमारे इस सेल को चाहिए लेकिन इसके पास न्यूरॉन जो है कनेक्टेड नहीं है। सो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट भी कर देते हैं तो भी इस तक तो सिग्नल नहीं पहुंचा जो कि हमें पहुंचाना था। सो बेसिकली इसका पर्सपेक्टिव क्या हुआ, यहां पर आकर आपका न्यूरल कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो थे उतने ज्यादा काम नहीं आए बिकॉज दे कैन ओनली सेंड द सिग्नल टू सम स्पेसिफिक सेल्स जहां पर न्यूरॉन का कनेक्शन पहुंचता है, लेकिन कुछ डीप सेल्स होते हैं जहां पर न्यूरॉन का कनेक्शन पहुंचता ही नहीं है तो वहां तक तो आप कभी सिग्नल पहुंचा ही नहीं पाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट डिमेरिट ऑफ दिस न्यूरल कंट्रोल। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिमेरिट इज कि यहां पर आपके चार्जेस जनरेट होते हैं दोस्तों, प्लस माइनस चार्जेस जो है शफल होते हैं विच क्रिएट्स द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सो जब आपका समझ लीजिए अगर सिग्नल इसी सेल में पहुंचाना था और यहां पर इसने सिग्नल पहुंचा भी दिया, सो आफ्टर सेंडिंग द सिग्नल इट विल टेक सम टाइम टू रिवाइव। ओके, आप लोग पबजी खेलते होंगे तो पबजी में रिवाइव करते हैं ना, दोबारा जिंदा करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। सो बेसिकली यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको दोबारा से एक्टिव होने में, दोबारा से अपनी मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को इनिशियल लेवल पर ले जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो दे आर बेसिकली टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। ओके, सो इट इज नॉट हैपनिंग इन द कंटिन्यूअस वे, आप इसको कंटिन्यूअस वे में नहीं कर सकते। वहीं पर सेकंड चीज में अगर आपको बताऊं केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ, आपने केमिकल्स रिलीज किए, अब वो जो केमिकल्स प्रेजेंट है दोस्तों इट इज गोइंग टू फ्लो वाया ब्लड। अब ये ब्लड में आपके फ्लो करेंगे और ब्लड में फ्लो करेंगे तो इसका क्या मतलब है, हर ऑर्गन में जाएंगे और हर ऑर्गन में जाकर जहां जहां रिसेप्टर प्रेजेंट होगा सेल सरफेस पे, मैंने कल आपको रिसेप्टर की कहानी बता दी थी, आप अगर पैरासिटामोल खाते हो या आप अगर कोई भी एंटीबायोटिक खाते हो सो वो आपके सेल्स को किल नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के पास स्पेसिफिक टारगेट होता है जहां पर वो ड्रग जो है जो आपने खाई है, जो मेडिसिन जो है जो आपने खाई है वो वहां पर जाकर बाइंड कर जाती है। सिमिलरली देयर इज नो रिसेप्टर इन अ लॉट ऑफ सेल्स बट वेयर एवर योर केमिकल मैसेंजर और योर हॉर्मोन इज गोइंग टू फाइंड द सूटेबल रिसेप्टर वहां पर वो जाकर बाइंड हो जाएगा और उस सेल को वो इफेक्ट कर देगा। सो लेट्स से यहां पर एक सेल है इसके पास रिसेप्टर है, यहां पर एक दूसरा सेल है लेट्स से इसके पास रिसेप्टर नहीं है, तीसरा सेल है इसके पास रिसेप्टर है, सो व्हाट योर केमिकल मैसेंजर इज गोइंग टू डू, ये जो केमिकल मैसेज है इसके पास चला जाएगा और इसके पास चला जाएगा, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पास रिसेप्टर ही नहीं है सो इसको आके परेशान नहीं करेगा केमिकल, इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस सो इट वोंट यू नो जस्ट डिस्टर्ब दीज काइंड ऑफ सेल्स जहां पर आपका रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। सो पहली प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो गई कि यहां पर न्यूरल कनेक्शन जरूरी था सो इस सेल तक सिग्नल नहीं आ रहा था, बट यहां पर जिन जिन सेल के पास रिसेप्टर है उनके पास आपका अच्छे से सिग्नल पहुंच जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आपका रेस्ट लेना पड़ रहा था दोबारा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में, बट हियर नो रेस्ट इज अकरिंग। ओके, सो बेसिकली आपने एक बार केमिकल मैसेंजर अगर रिलीज कर दिया है, आप दूसरी बार भी केमिकल मैसेंजर फटाफट एकदम फटाक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऑलराइट, सो ये जो दो आपके डिमेरिट्स थे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के या फिर न्यूरल कंट्रोल के, वो बेसिकली आपके यहां पर क्लियर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई केमिकल कोऑर्डिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एनिमल्स, और इसीलिए केमिकल इंपल्स को पढ़ना जरूरी है। सो आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे अच्छे से। सो व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्केरी सिचुएशन। समझ लीजिए कोई स्क्विरल है, आप समझ लीजिए कोई गिलहरी है, वो बैठकर अपना आराम से क्या है मूंगफली खा रही है, और आप लोग अचानक से कोई अगर पत्थर फेंकते हो तो अचानक से रिएक्ट करती है, झटपटाती है और उसके बाद भाग जाती है। सो देर आर टू केसेस विच आर अकरिंग ईच एंड एवरी टाइम इन योर लाइफ फॉर श्योर। यहां पर आपको जो है एक केस अगर मैं बोलूं, समझ लो आपको किसी ने परेशान किया, देर आर टू ऑप्शंस नाउ, ईदर फाइट, या तो अगर वो खुद से कमजोर दिख रहा है तो दो थप्पड़ मार के भाग जाओगे तुम लोग, और अगर वहां पर समझ लो चार लोगों ने आपको घेर लिया और आप अकेले हो तो फ्लाइट, फ्लाइट मतलब वहां से भागना पड़ेगा। सो देर आर टू ऑप्शंस, द फर्स्ट वन इज द फाइट ऑप्शन, द सेकंड वन इज द फ्लाइट ऑप्शन, लेकिन दोनों के अंदर आपको पूरी पूरी एनर्जी चाहिए। अगर आपको किसी को पीटना है तो भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको उस जगह से कल्टी मारनी है भागना है तो भी आपको पूरी की पूरी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो बेसिकली इन बोथ द थिंग्स यू नीड अ रिजर्व ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। ऑलराइट, सो यहां पर मेंशन भी है इस केस में, देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे। इट मींस दैट दोनों सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है, हो सकता है आपको लड़ना पड़ जाए, हो सकता है आपको जोर से भागना पड़ जाए। सो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी
इन कंट्रोल्ड वेज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, आप लोग एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे एंड बोथ ऑफ दिस प्रोसेसेस आर एनर्जी एक्वायरिंग प्रोसेसेस। सो बेसिकली यू विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गिव एंड टू दिस प्रोसेसेस। इन दोनों प्रोसेसेस को अंजाम देने के लिए आपको बहुत अच्छी खासी एनर्जी चाहिए और आपको उसी हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। सो मेनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप्स विल बी यूज एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस। काफी सारे टिश्यूज जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर आपको भागना है तो आपकी पैर की जो मसल्स हैं वो भी काम कर रही हैं, उसके बाद आपका जो हार्ट है वो भी बहुत जोर जोर से बीट कर रहा है जिससे कि आपकी मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। आपका हार्ट बहुत तेजी से बीट करेगा तो ही तो ऑक्सीजन पहुंचेगी ना उसके पास। आपका सांस लेने का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आप जितनी ज्यादा सांस लेंगे उतना ऑक्सीजन आपकी बॉडी के पास जाएगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी वहां पर आपको मिलेगी। बिकॉज एनर्जी किस तरीके से मिलती है, अगर आपको नहीं पता है अभी तक, यू यूज टू टेक ऑक्सीजन व्हेन यू ब्रीद, दिस ऑक्सीजन यूज टू गो टू योर सेल्स एंड इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू कंपोनेंट्स। ये जो आपका फूड होता है, समझ लीजिए यहां पर आपके पास ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर के जो बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों वो आप ऑक्सीडेशन की मदद से तोड़ते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो जब ऑक्सीजन एड होता है वो ग्लूकोज के बॉन्ड्स को तोड़ता है और यहां पर आपकी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आप लोग दुकान पे जाते हो और आप लोग पैसे देते हो कोई सामान खरीदने के लिए, वैसे ही जब आप बॉडी में कभी भी एनर्जी यूज करते हो तो आप एटीपी जो है इसको यूज करते हो। ये आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों। सो दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, यहां पर जो आपके फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पर मैं यहां पर लिख देता हूं अगर आप नोट करना चाहें तो। यहां पर जो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं ये टूटने के बाद आपके एनर्जी देते हैं। ओके, सो यहां पर जो आपकी एटीपी है ये आपको एनर्जी देगी और काफी सारे टिश्यूज जो है वो साथ साथ इंटीग्रेटेड मैनर में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे या तो आप लड़ सके या आप भाग सके, लेकिन आपकी बॉडी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाउएवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज फाइटिंग और रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। जाहिर सी बात है, एक में आप अपनी बहादुरी दिखा रहे हो और दूसरे में आप अपनी चतुराई दिखा रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि डर के भाग गए, वो भी अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ मूव होता है जब आप खतरे को भाप कर भाग जाते हो। कौन पिटे यार सर्दी में, जाहिर सी बात है अगर आप भाग रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं समझदारी का काम है। सो बेसिकली ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग है, एक में आपको एनर्जी चाहिए घुसे उसे मारने के लिए, दूसरे में आपको एनर्जी चाहिए बहुत जोर से भागने के लिए। सो दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस, बट यहां पर आपको कुछ ना कुछ कॉमन प्रिपरेशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एनर्जी को स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी है उसको यूज करना, क्योंकि दोनों कामों में एनर्जी तो लगेगी, और बची हुई कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपकी बॉडी में होती हैं इन बोथ ऑफ दीज केसेस, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। सो कुछ कॉमन प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ती हैं इन बोथ ऑफ दीज केसेस एंड दीज प्रिपरेशंस शुड आइडियली मेक इट इजियर टू डू ईदर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर। सो जो कॉमन प्रिपरेशन होती है वो आपको दोनों चीजों में हेल्प करती है, आपको लड़ना है तो आप लड़ लो, आपको भागना है तो आप भाग लो। ओके, सो आपकी प्रिपरेशन पूरी रहती है और दोनों में जो इनिशियल प्रिपरेशन है वो कॉमन है, उसके बाद जो मसल्स यूज में आएंगी वो दोनों में डिफरेंट हो सकती हैं। सो इफ द बॉडी इज डिजाइन इन द ओके इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस, यानी कि जो मैंने आपको केस बता दिया, जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी अब उसी की बात होगी। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की यहां पर बात होती नर्व सेल से, द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। जाहिर सी बात है, सिर्फ उन सेल्स के पास सिग्नल पहुंच पाता जिन तक आपके न्यूरॉन की रीच है। अगर न्यूरॉन कहीं तक रीच ही नहीं कर पा रहा है, कहीं तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, इट विल नॉट बी एबल टू स्टिमुलेट दोस सेल्स एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर दोस सेल्स टू एक्ट प्रॉपरली अगेंस्ट अ सिचुएशन। लेकिन सिंस यू आर यूजिंग केमिकल कंट्रोल, तो आपके केमिकल जब सिक्रीट होते हैं तो वो हर सेल के पास जो है अपना सिग्नल पहुंचा देते हैं। सो ऑन द अदर हैंड इफ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट, इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड अ वाइड रेंजिंग changes needed. So, आपको जिन जिन सेल्स के अंदर changes की जरूरत है वो सारे changes आपके हो पाएंगे अगर आपका chemical messenger आप लोग release करते हैं, क्योंकि ये indirectly आपके all cells तक पहुंच जाता है।
This is done in many animals, including human beings, using hormone called as adrenaline. आप लोग जानते होंगे कि एड्रेनलिन को आप लोग बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इसलिए मैंने ये दो वर्ड्स यूज किए थे, मैंने रनिंग वर्ड यहां पर नहीं यूज किया. ओके, इट इज द हार्मोन यूज्ड फॉर फाइट एंड फ्लाइट. यानी अगर आपको लड़ना है तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, आप थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे. दैट एग्रेसिव नेचर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है. फ्रॉम विच ग्लैंड? फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड. इस एड्रेनलिन के नाम में ही है कि ये किस ग्लैंड से बना है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से बना होगा. ओके, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड एज इट इज ऑब्वियसली सजेस्टेड ओवर हियर. ओके, सो मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखा दूंगा इन कमिंग स्लाइड्स. मैं आपको सारे के सारे यू नो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर बता दूंगा. सो यहां पर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है दोस्तों, इनकी एक परफेक्ट जो है डेफिनेशन होती है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हॉर्मोन्स सिंथेसाइज करते हैं. ओके, सो एंडोक्राइन वर्ड इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स. ओके, एंडोक्राइन का मतलब आपका हॉर्मोन से रिलेटेड है. और हॉर्मोन्स क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. यानी ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कि आपके मैसेजेस लेकर जाते हैं. ओके, सो आप क्या करते हैं, जो ग्लैंड होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको कहीं नोट कर लेना, दैट दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स. यहां पर आपकी डक्ट्स जो है एब्सेंट होती हैं. डक्ट्स एब्सेंट होती हैं मतलब पाइपलाइंस एब्सेंट होती हैं. ओके, सो आप जो है इन्हें किसी पाइप के थ्रू सिक्रीट नहीं करते. आप लोग क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी में ग्लैंड्स के थ्रू ये इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनवा लेते हैं और इसे डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं, और ब्लड के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली फ्लो करता रहता है, इसे किसी पाइपलाइन की जरूरत नहीं होती. सो दीज आर कॉल्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड्स एज दे आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इन द ब्लड. सो द वेरी फर्स्ट हार्मोन जिसके बारे में हमने बात करी वो है एड्रेनलिन. ओके, एड्रेनलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइट एंड फ्लाइट, और किस तरीके से ये काम करता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं. एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज एन एंडोक्राइन हार्मोन जो कि डक्टलेस होते हैं. सो डक्टलेस है तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही आपके फेंक दिए जाते हैं एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. नाउ सिंस द ब्लड इज गोइंग टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी, तो आपका ये जो यहाँ पर बेसिकली क्या कहते हैं हार्मोन है, ये भी आपका बॉडी के हर एक पार्ट में जाकर ब्लड फ्लो के थ्रू जा सकता है. द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड्स द हार्ट. ओके, आपके हार्ट का पंप होना बहुत जरूरी है. सो व्हेन योर हार्ट इज गोइंग टू बीट एट अ वेरी फास्टर रेट, इट विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके, वो आपकी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ा देगा. अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ा तो ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आएगी. अगर ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आई तो जो ज्यादा ऑक्सीजन है वो आपके काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगी और उसे तोड़ तोड़ कर आपकी एटीपी बना देगी. अगर ज्यादा एटीपी आपके पास होगी मतलब ज्यादा एनर्जी करेंसी आपके पास है. अगर ज्यादा एनर्जी करेंसी आपके पास है तो आप ज्यादा एनर्जी यूज कर पाओगे भागने में या पिटाई करने में. एज अ रिजल्ट हार्ट बीट्स फास्टर, आपका हार्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी बीट करने लगता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल, जो मैंने आपको बताया. अब आपके मसल में जो है ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन है इस पे जो ब्लड सप्लाई है थोड़ी सी जो है कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि अभी जो है ज्यादा सप्लाई आपके मसल के पास जा रही है. सो आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, आपकी बॉडी वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन देगी जहां पर आपकी जरूरत है एट द टाइम ऑफ फाइट. अगर समझ लीजिए आपका रेगुलर सप्लाई हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर आपकी रेगुलर सप्लाई हो रही है यू नो स्किन के पास, सो बेसिकली आप तो पिट जाओगे, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी लड़ाई करने के लिए. सो बेसिकली वहां पर आपकी बॉडी को एनर्जी दी जाती है और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है और स्किन है यहां पर रिड्यूस कर दी जाती है ऑक्सीजन सप्लाई ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन. ओके, यहां पर जो मसल्स होती हैं स्पेसिफिक मसल्स उनको ज्यादा एनर्जी दी जाती है. ओके, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल सिस्टम, जाहिर सी बात है बाकी ऑर्गन्स को अगर कम एनर्जी दी जा रही है कम ऑक्सीजन दी जा रही है सो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है आपके जो मसल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी दी जा रही है उनको ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है. द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, सेम रीजन है, ब्रीदिंग रेट से भी क्या होगा आप ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे एंड इट विल जनरेट मोर एनर्जी.
because the contraction of diaphragm and the rib muscle. आपका जो डायफ्राम प्रेजेंट होता है, अगर आप रिब का डायग्राम यू नो ड्रॉ करें इस तरीके से, ओके, अगर इस तरीके से आप ड्रॉ करें, सो बेसिकली यहां पर आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है. ये डायफ्राम भी जो है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. एंड इफ योर डायफ्राम इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, योर रिब मसल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, देन बेसिकली आपकी जो थोरेसिक वॉल्यूम है, जो आपकी यू नो छाती की वॉल्यूम है, वो बढ़ जाती है. अगर आपकी छाती की वॉल्यूम बढ़ गई तो आप ज्यादा ऑक्सीजन ले पाओगे. आप है ना कभी सांस लेकर ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि जब आप सांस लेते हो तो आपकी जो चेस्ट है वो फूल जाती है, बिकॉज यू आर टेकिंग ऑक्सीजन इन साइड योर लंग्स एंड दैट्स वाई द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स हैज इंक्रीज. आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है. सिमिलरली जब आप यू नो एक्सहेल करते हो गैसेस को, तो आपकी चेस्ट जो है डाउनवर्ड जो है मूवमेंट करती है और आपकी जो गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं फ्रॉम योर लंग्स, सो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाती है. सो जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो आपकी जो यू नो ये जो वॉल्यूम है, लंग की वॉल्यूम है, ये इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आप ज्यादा सांस ले सकते हो. ज्यादा ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी में आएगा तो बेसिकली ज्यादा फूड ऑक्सीडाइज होगा और आपको जनरली बहुत ही ज्यादा एटीपी वहां पर मिलेंगी, जिससे आप अपने बाकी सारे प्रोसेसेस कर सकते हो. So all these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. अब जाहिर सी बात है, आपके पास अच्छी खासी ऑक्सीजन है, आपके पास अच्छी खासी एनर्जी है, अब या तो लड़ो या भागो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपकी बॉडी ने आपको रेडी कर दिया. Such animal hormones are part of endocrine system. I have already told you the definition, which constitute a second way of control and coordination. What was the first way? The first way was the neural control and coordination. And the second way is the chemical control or coordination, या फिर आप उसे कह सकते हैं hormonal control or coordination. All right? So, we have talked about the adrenaline. Now, remember that the plants have hormones that control their directional growth. So, in the plants, the growth is directional somehow. Okay? लेकिन यहाँ पर अगर आप animal में देखेंगे, बहुत fixed pattern है growth का. प्लांट में तब भी थोड़ी बहुत छेड़खानी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स देयर इज वेरी प्रिसाइज वे ऑफ ग्रोइंग. आप लोग देखते हैं आपका हाथ जो है हमेशा शोल्डर से अटैच है, इट इज नॉट अटैच टू योर यू नो नी और इट इज नॉट अटैच टू योर स्टमक. आपका हाथ जो है बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है और ये हर ह्यूमन बींग में, आप दुनिया में कोई भी ह्यूमन बींग देख लो, उसका हाथ आपको ऐसा ही मिलेगा. उसकी बॉडी में आपको 206 ही हड्डियां मिलेंगी, उसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा ही, उसकी भी दो ही आंखें होंगी, पांच आंखें नहीं होंगी. सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज सीन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और इन केस ऑफ एनिमल्स, बट दैट काइंड ऑफ स्पेसिफिसिटी इज नॉट सीन इन केस ऑफ प्लांट्स. क्या प्लांट में किसी ने काउंट किए हैं कि 50,000 ही पत्ते होंगे? हो सकता है किसी प्लांट में 40,000 हो सकता है किसी में 60,000 हो. सो देयर इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एवरीथिंग. आप देखते होंगे स्टेम जो है किसी में, आप आम के ही दो पेड़ों को कंपेयर कर लो जो आपने साथ में उगाए थे, हो सकता है एक आम का पेड़ ज्यादा मोटा हो सकता है एक आम का पेड़ पतला हो. सो देयर इज नॉट दैट मच स्पेसिफिसिटी. ओके, ग्रोथ जो है आपकी होती है और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन वहां पर पैटर्न जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता. सो ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन द रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ. एनिमल हार्मोन में आप इस तरीके का जो पैटर्न है वो बेसिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर. आप डायरेक्शनल ग्रोथ यहां पर देख ही नहीं सकते. ऐसा हुआ है कि मैं लेफ्ट साइड से ज्यादा बढ़ गया और मैं राइट साइड से कम बढ़ा हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल. देयर इज अ यूनिफॉर्म ग्रोथ, इट इज नॉट डायरेक्शनल. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन लाइट और ग्रेविटी हम इनसे किसी भी तरीके से जो है अफेक्ट नहीं होते. अब प्लांट में क्या हो रहा था, इफ दिस इज द सीड, if this seed is germinating guys, तो हम लोग कह रहे थे root is moving downward and your stem is going upward. But ऐसा आपने कभी देखा है कि आप जब बड़े हुए तो आपके पेड़ जो है जमीन के अंदर घुस गए, आपके पैर जो है और basically आपके हाथ हाथ ऊपर लटके हुए. So we do not have to do anything with gravity in terms of growth. Okay? Similarly, ऐसा नहीं है कि जब light आती है, जब सूरज की किरणें आती हैं तो मेरा मुंह light की side हो जाता है. I am not phototrophic, मैं उसकी side नहीं देखता. ओके, मैं किसी भी साइड मूव कर सकता हूं, दैट इज माय ओन चॉइस. बट व्हेन इट कम्स टू सनफ्लावर, तो आप लोग देखते हैं सन को देखकर स्पेसिफिक मूवमेंट वहां पर होती है, हम में नहीं होती. हम लोग काफी स्मार्ट हैं. ओके, प्लांट लोग हैं ऐसे ही चोमू हैं, उनमें कुछ ज्यादा उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, उन्हें ज्यादा पता नहीं रहता. कॉन्शियसनेस उनमें है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती. ओके, वो ह्यूमन बींग्स में होती है. सो वी आर मोर सुपीरियर, वी आर लाइक मोर पावरफुल.
So, but if we think about a little bit more, it will be evident that even in animal bodies, growth happens in carefully controlled places. I have already told you guys, बहुत controlled growth यहाँ पर होती है और जो आपकी places हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा secured होते हैं in form of growth. आपका जो knee है, आपका जो घुटना है, वो घुटने की position पर ही होता है. मैं आपको अभी बोलूंगा कि सारे लोग अपने घुटने पे हाथ लगा लो, तो सारे लोग जो है नीचे ही हाथ ले जाएंगे, कोई यहां पर नहीं रखेगा, क्योंकि सबको पता है घुटना किधर है, सबका वहीं पे है. ओके, सिमिलरली इफ आई टेल यू गाइज टू इंडिकेट योर नोज, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू पॉइंट योर नोज ओनली. ओके, नोबडी इज गोइंग टू पुट हिज हैंड ऑन हिज चेस्ट कि हाँ मेरा नोज शायद यहां पर है. इट इज नॉट पॉसिबल, वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स. ओके, सो प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी. जैसा मैंने आपको बताया था, लीव्स कैन बी न्यूमरस एंड दे कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेज, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस. फिंगर्स आर एट द प्लेसेस ऑफ फिंगर्स ओनली. द डिजाइन ऑफ बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो अडल्ट हो, हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल में स्पेसिफिकली द ग्रोथ पैटर्न इज वेरी वेरी रेगुलर एंड इट इज वेरी वेरी कंट्रोल्ड ऑल्सो. ओके, let us examine some examples, understand how hormones help in coordination of growth. So basically we all have seen salt packets which say iodized salt. I hope aap sabne suna hoga, kisi pe likha rehta hai iodized salt, kisi par likha rehta hai rich in iodine, kisi par likha rehta hai f positive. So what does this particular thing means? Ye grade to nahi ho sakta, iodine ne koi paper to nahi diya jo uska f positive aa gaya. यहां पर दोस्तों इसका मतलब होता है फोर्टिफिकेशन. ओके, शायद आपने टर्म जिंदगी में पहली बार सुनी हो. जो गवर्नमेंट है, इट हैज लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स. फोर्टिफिकेशन का मतलब यह रहता है कि आप उस फूड प्रोडक्ट के अंदर काफी सारे विटामिन और काफी सारे मिनरल्स जो है वो डाल सकते हैं. ओके, समझ लीजिए फोर्टिफाइड आटा. आप लोगों के मार्केट में जो आटा आता है, अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अगर वो फोर्टिफाइड है, तो उसके अंदर आपको विटामिन ए मिलेगा, आपको विटामिन डी मिलेगा, आपको उसके अंदर अ लॉट ऑफ मिनरल्स मिलेंगे. ओके, आयरन वगैरह मिलेगा, आपको फॉलिक एसिड मिलेगा, ये सारी चीजें जो है आपको आपके आटे के अंदर मिल जाएगी. सिमिलरली अगर आप ऑयल की बात करते हैं, अगर आप रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं, अगर वो फोर्टिफाइड है, तो उसके अंदर विटामिन ए और डी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. सो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्यों बोला है कि फोर्टिफाई करना है हर चीज को, क्यों आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए. पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने कोई फोटोज देखी हैं, तो देयर आर सेवरल ह्यूमन बीइंग्स जिनकी गर्दन बहुत ज्यादा मोटी हो जाती थी और उन्हें एक बीमारी हो जाती थी जिसका नाम था गॉइटर. गॉइटर दोस्तों तब होती है जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है. अब ये आयोडीन जो है, अब आप बहुत आसानी से समझना, आपको मजा आएगा कि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास का है वो मैं अभी समझा रहा हूं और बहुत ही आसान तरीके से. अगर आप 50 आदमियों से कुछ काम करा रहे हैं और 50 आदमी दिन के दो दो घंटे काम कर रहे हैं, ओके, समझ लीजिए 50 मजदूर हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर 2 hours अ डे, तो एक काम पूरा हो रहा है. अगर समझ लीजिए 50 मजदूर जो हैं उनमें से 25 ही काम पर आए, तो मालिक उन्हें क्या बोलेगा? मालिक उन्हें यह बोलेगा कि भाई मुझे तो अपना काम पूरा चाहिए, तुम लोग जो है 4-4 घंटे काम करो. That is very obvious, that is very clear. अगर आपको बराबर काम करना है और मजदूरों का नंबर आधा हो गया है, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी. Similar case is with your thyroid gland. In your thyroid gland, there are some important hormones which are synthesized. उन hormones को आप लोग बोलते हैं T3 hormone और T4 hormone. मैं आपको सब कुछ लिखकर बताऊंगा, पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ. This T3 and T4 hormones are basically called as your triiodothyronine and tetraiodothyronine. जिसको आप लोग थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं. सो ये जो आपका थायराइड हार्मोन होता है, इसकी प्रोडक्शन के लिए आपको आयोडीन की जरूरत होती है. जब आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं होगा, थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा. एक छोटा ग्लैंड था थायराइड, उसने हार्मोन बनाना कम कर दिया. सो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी उसे सिग्नल देगी कि भाई तू बड़ा हो जा, क्योंकि अगर तू बड़ा हो गया तो शायद तू इस हिसाब से हार्मोन बना ले कि तुम्हारी बॉडी की नीड्स पूरी हो जाए, बिकॉज थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड थायरोक्सिन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी में चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, इन सब के मेटाबॉलिज्म में आपके थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है. सो योर बॉडी नीड्स सुटेबल अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन, बट आपके थायरॉयड की अब वो औकात बची नहीं है कि वो उतना बना दे.
सो आप लोग करोगे क्या, उस थायराइड का साइज बढ़ा दोगे, और आपका थायराइड का जब साइज बढ़ेगा तो आपकी गर्दन जो है फूल जाएगी, और यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने बहुत बड़ी गांठ जो है वो बना दी है, ओके, इतना बड़ा जो है ट्यूमर टाइप स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर हो जाएगा, गर्दन आपकी डबल साइज की हो जाएगी। सो दैट इज अ डिसऑर्डर, वो एक बीमारी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आयोडीन की वजह से काफी सारे लोगों में ये बीमारी हो रही है, क्यों ना हम एक ऐसी चीज में आयोडीन डाल दें जो कि हर इंसान यूज करता है इन इट्स डेली लाइफ, और वो चीज क्या है दोस्तों, वो है आपका नमक। क्योंकि इंसान हो सकता है कुछ भी खाना भूल जाए, लेकिन खाने में नमक तो लेगा ही लेगा। सो ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू सेल द आयोडाइज्ड नमक इन योर मार्केट, देन ऑब्वियसली थायराइड आपको नहीं होगा और होना बंद भी हो गया, ओके। एंड दैट्स व्हाई गांव में जो लोग अभी ऐसे मोटा मोटा सा नमक आता है, बहुत मोटा आता है, 5-5 kg के भी डंबल टाइप आते हैं बहुत। सो मैं अपनी नानी के घर जाता हूँ, सो बेसिकली वहां पर मेरे को काफी पुराना जो नमक है वो देखने को मिलता है। सो वो जो पहाड़ों से निकला हुआ नमक रहता है वो पहले यूज करते थे गाँव में, लेकिन अब आयोडाइज नमक ही यूज करने लगे हैं, क्योंकि उस नमक में जो है आयोडीन नहीं था। सो बेसिकली आप रेगुलर सॉल्ट अगर कंज्यूम करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट आयोडीन, प्रॉपर आयोडीन, एंड दैट्स व्हाई आपको बीमारियां हो सकती हैं। सो अब आयोडाइज नमक जो है यूज किया जाता है, जिसका दाना दाना है एक समान, तो आप भी अपने घर पे मंगाइए और यूज करिए। सो अब यहाँ पर आयोडाइज सॉल्ट क्यों यूज हुआ आपको पता है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। सो थायरॉयड जो ग्लैंड है आपका T3 बनाता है और T4 बनाता है। अब T3 का मतलब क्या होता है, ट्राई। सो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्राई आयोडो थायरोनिन, नाम में ही आयोडो आ गया, यानी आयोडीन की जरूरत थी, और थायराइड से बना है तो थायरोनिन। और ये जो T4 है दोस्तों, ये है आपका टेट्रा आयोडो थायरोनिन, सेम नीचे का सारा सेम, ओके। सो थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसकी फॉर्मेशन में आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये रेगुलेट करता है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म, जैसा मैंने आपको बताया। यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होंगे उन सब में इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके थायरोक्सिन का। सो ये जो है बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ग्रोथ में आपका किसका रोल है, मम्मी कहती है बेटा पनीर खाओ, दूध पियो, जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा, दादी कहती है बेटा देसी घी खाओ, इसमें फैट है। सो ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, राइट। बट इनका जो बैलेंस है ग्रोथ के लिए, वो आपका थायराइड जो है ग्लैंड, उसकी वजह से बैलेंस हो पाता है। सो आयोडीन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, जो हम बात कर चुके हैं। सो इन केस आयोडीन इज डेफिशियंट इन आवर डाइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गॉइटर, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। सो आपको गॉइटर हो सकता है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज स्वॉलन नेक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो दिस इज अबाउट द थायराइड हार्मोन, जो कि आपका थायरोक्सिन बनाता है। इससे पहले हमने देखा एड्रेनलिन हार्मोन, जो आपका एड्रेनल ग्लैंड बना, यू नो एड्रेनलिन हार्मोन बना रहा था एड्रेनल ग्लैंड। समटाइम्स वी कम अक्रॉस द पीपल हु आर वेरी शॉर्ट, जिसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, एंड सम आर एक्सट्रीमली टॉल, जैसे हमारे खली भाई साहब जो कि हैं जायंट। सो जायंट मतलब अपनी नॉर्मल हाइट से बहुत बड़ा। ये एक डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं गाइगेंटिज्म, ओके। इसमें इंसान बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें जो ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाते हैं। एंड सिंस देर आर अ लॉट ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स इन योर बॉडी नाउ, सो योर ग्रोथ विल ऑल्सो बी वेरी वेरी लार्ज। सो यू विल बिकम वेरी टॉल, ओके। फॉर एग्जाम्पल यू विल बिकम अ मैन ऑफ 7 feet, यू विल बिकम अ मैन ऑफ 8 feet, ओके। And in dwarfism, the smallest case that is reported is like 64 inches, something like that. Okay? So, इतने छोटे-छोटे से हो जाओगे आप, अगर आपकी body में proper growth hormone नहीं है तो. So, have you ever wondered how this happens? Growth hormone is one of the hormones secreted by your pituitary gland. So, pituitary gland आपका ऊपर present होता है. इस pituitary gland में आपका क्या होता है? काफी सारे hormones बनते हैं. उसमें से एक जो hormone है, वो है आपका growth hormone, जिसे आप GH बोलते हैं. So, अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम है तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, हाइट छोटी रह जाएगी, ग्रोथ कम होगी। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो हाइट आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप लोग जाइंट बन जाओगे। और अगर ग्रोथ हार्मोन बैलेंस्ड है, जितना चाहिए उतना ही है, तो आप मेरे जैसे हो जाओगे एकदम स्मार्ट, ओके, बराबर। सो आई एम जस्ट जोकिंग। सो इस तरीके से मतलब आप जैसे हो वैसे रहोगे, एकदम बैलेंस्ड, जैसी आपको जरूरत है, ओके। सो एज इट्स नेम इंडिकेट्स, द ग्रोथ हार्मोन regulates the growth and development of the body. It is very obvious, naam mein hi sab kuch hai, growth hormone hai to growth ko hi regulate karega. If there is deficiency of hormone in childhood, it will lead to the dwarfism, yani bona aap sabne suna hoga, okay? Aapne wo shayad kahani suni hogi, ek ladki rehti hai, uske sath 7 bone rehte the,
सो वैसे छोटे 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 बौने हो जाओगे. सो इसीलिए ग्रोथ हार्मोन का बनना बहुत जरूरी है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्स हार्मोन्स राइट नाउ. ये जो इससे पहले आए हैं ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं. ओके बराबर प्रेजेंट होते हैं. नाउ सेक्स हार्मोन्स जो है ऑब्वियसली फीमेल में अलग होंगे और लड़कों में आपके अलग होंगे. यू मस्ट हैव नोटिस्ड मेनी ड्रामेटिक चेंजेस इन द अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड एज यू अप्रोच 10 to 12 ईयर्स. जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो ओके जिस एज में आप अभी हो आप डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे मेरी बातों से. आपने खुद में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे. जैसे कि जो आदमी है जो लड़का है उसकी वॉइस थोड़ी सी मोटी हो जाती है. आपके जो आर्मपिट्स हैं दोस्तों यहाँ पर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. आपका जो प्यूबिक रीजन रहता है वहां पर आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. ओके देर इज सम सॉर्ट ऑफ डार्क स्किन दैट इज कमिंग इन यू नो सम सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. सो बेसिकली आप वहां पर क्या करते हैं आप जो है मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे. ओके यू आर गोइंग टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव एज. अब आप प्यूबर्टी में आ चुके हैं. सिमिलरली देर विल बी सम इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फीमेल्स बॉडी ऑल्सो. सो कुछ ड्रामेटिक चेंज होते हैं जो कि बहुत नेचुरल है और ये सब में होते हैं ए टू जेड सब में होते हैं. ओके देर आर सम डिफेक्ट्स जिसकी वजह से ये कुछ इंडिविजुअल्स में नहीं होते बट ओवरऑल इफ यू विल सी अ जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव दे आर टेकिंग प्लेस इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन अदर एनिमल्स. ओके वो डॉग में भी होते हैं चेंजेस वो कैट में भी होते हैं. व्हेन दे विल ग्रो अप एंड व्हेन दे विल रीच टू अ स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी उनमें भी वो सारे चेंजेस होते हैं. सो दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी जैसा मैंने आपको बताया आर बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स. ओके मेल में जो है आपके टेस्टोस्टेरॉन इंपॉर्टेंट होते हैं. सो मेल मैंने आपको बताया था इस तरीके से लिखते हैं आप एंड एस्ट्रोजन इन केस ऑफ फीमेल्स. सो फीमेल का जो सिंबल है वो ये वाला था. ओके ये इससे कनेक्टेड है. ऑलराइट सो मेल में आपके कौन कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं. मेल में आपके एंड्रोजन्स बनते हैं. ओके एंड्रोजन्स बनते हैं जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरॉन. ओके टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन वर्ड जो है ये टेस्टिस से रिलेटेड है. ओके टेस्टिस जहां पर आपके स्पर्म बनते हैं उससे रिलेटेड है आपका टेस्टोस्टेरॉन. ऑलराइट और जो फीमेल है यहां पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनते हैं जैसे कि आपके प्रोजेस्टेरॉन. ओके जो कि कहते हैं फीमेल सेक्स हॉर्मोन एंड योर एस्ट्रोजन्स. ऑलराइट सो ये आपके फीमेल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे वहां से बनेंगे. ये आपके मेल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे यहां से बनेंगे. ओके सो फिर आप अगर सुनेंगे इंसुलिन की. सो डू यू नो एनी मोर एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट. आप सबने सुना होगा जो बूढ़े अगर होंगे आपके घर में कोई तो बेसिकली काफी बार दादू नानू को मना किया जाता है. डॉक्टर ऐसे बोलते हैं मीठा नहीं खाना लड्डू नहीं खाना मीठी चाय नहीं पीनी. सो यू माइट हैव यू नो वंडर्ड कि काफी बार आपके शायद दादा नाना ने बोला हो कि फीकी चाय बनाओ मेरे लिए. सो दे आर अवॉइडिंग शुगर. व्हाई बिकॉज दे ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ ग्लूकोज इन देयर ब्लड. उनके ब्लड में ऑलरेडी काफी सारा शुगर रहता है. सो वो कहते हैं हमें एक बीमारी हो गई है शुगर की बीमारी. ओके उस शुगर की बीमारी का जो साइंटिफिक नाम है वो होता है डायबिटीज. आई होप अब तो आप सबने सुन लिया होगा बहुत कॉमन है ये. सो बेसिकली वो जो है डायबिटीज से सफर करते हैं. सो यहाँ पर डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों. डायबिटीज के ट्रीटमेंट में आपको इंसुलिन दिया जाता है विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन. सो एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन के रेगुलर इंजेक्शन उसे लगाए जाते हैं. दिस इज हॉर्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज. आपका जो पेनक्रियाज होता है विच इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट पेनक्रियाज यूज टू सिक्रीट दिस इंसुलिन. और ये जो इंसुलिन है ये दिया जाता है इन डायबिटीज. मैं आपको इसकी भी पूरी कहानी सुनाऊंगा जस्ट दो मिनट में. पहले मैं ये खत्म कर लेता हूं. एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स. इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस एंड कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स. चलो ठीक है अब इसकी भी मैं आपको कहानी सुना देता हूं. कहानी सुन के आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या. आपकी बॉडी में आपका जो पेनक्रियाज था उसने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया. सो यूजुअली योर पेनक्रियाज यूज्ड टू सिक्रीट इंसुलिन लेकिन अब वो इंसुलिन नहीं बना रहा है. आपकी बॉडी का इंसुलिन करता क्या है. आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज की खपत को बढ़ा देता है. ये ग्लूकोज जो है ये आपका यूटिलाइज हो जाता है. ओके जैसे ही इंसुलिन आया ग्लूकोज आपका यूटिलाइज हो गया. सो ओवरऑल इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई ब्लड में. अगर कोई चीज यूज हो गई सो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना. समझ लो आपका पर्स है और आपके पर्स में 10,000 रुपए है. सो आपने उसमें से पैसे यूटिलाइज कर लिया. आपने 5,000 रुपए का कुछ खरीद लिया. सो आपके पर्स में पैसों की कंसंट्रेशन कम हो गई
सिर्फ 5000 ही बचे। सिमिलरली अगर आपके पास इंसुलिन आ गया यानी कि खर्चा आ गया और आपने खर्चे को जो है थोड़ा सा ग्लूकोज दे दिया, ले भाई यूटिलाइज कर ले, तो आपके पास अब ग्लूकोज कम बचा ब्लड में। सो इस तरीके से आपका नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहती है। बट सिंस इन दिस केस योर पैनक्रियाज इज नॉट फॉर्मिंग द इंसुलिन, सो आपका ग्लूकोज जो है वो खर्च नहीं होता, वो डिपॉजिट होता रहता है। एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है। अगर आप ऊपर से और खा लोगे ना ग्लूकोज, या फिर अगर आप ऊपर से और शुगर ले लोगे, तो भाई मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी इतना ग्लूकोज हैंडल नहीं कर सकती। ओके, ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज है ये जगह जगह जाके छेड़खानी करती है आपके बाकी रिएक्शन के साथ, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो बेसिकली यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज ऑन वट एवर यू आर ईटिंग। सो इसीलिए आप शुगर को अवॉइड करते हो, प्लस आप जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो। इंसुलिन जैसे ही आपकी बॉडी में गई, ये ग्लूकोज दोबारा से आपका खपत करना स्टार्ट हो गया, यानी ग्लूकोज आपका खर्च हो गया। सो ओवरऑल इसका लेवल जो है कम हो जाएगा। सो या तो आपका ग्लूकोज खर्च हो जाता है यानी कि उससे एनर्जी बन जाती है, या फिर ये आपका स्टोर हो जाता है। एनिमल्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आपका प्लांट में तो आपको पता है स्टार्च, आपने सबने आयोडीन टेस्ट किया होगा स्टार्च का, ओके, पोटैटो वगैरह में, लेकिन ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है ये इन केस ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में स्टार्च एब्सेंट होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ओके, ये चीज कहीं पर लिख लेना आप लोग। सो इसीलिए आपका इंसुलिन दिया जाता है। सो हमने एड्रेनल यू नो ग्लैंड की बात कर ली, एड्रेनलिन सेक्रेट करता है, फिर हमने थायरोक्सिन की बात कर ली, ओके, उसके बाद हमने बात कर ली सेक्स हॉर्मोन्स की, उसके बाद हमने बात कर ली इंसुलिन की, और इससे जस्ट पहले हमने बात की थी ग्रोथ हार्मोन की। सो वी टॉक्ड अबाउट सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। इफ इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज, हार्मोन्स जो है आपके बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं, सबसे पहली बात, दे आर सिक्रेटेड इन वेरी लेस अमाउंट्स। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी प्रिसाइज, दे आर नॉट वेस्टेड एट ऑल, दे आर नॉट वेस्टेड, जरा से भी वेस्ट नहीं होते। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर समझ लीजिए यहां पर आपका खुला हार्मोन पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपका उन्हीं सेल्स पर अटैक करेगा जिन सेल के पास इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर हैं, और कहीं ये एक्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, सो बेसिकली ये आपका लिमिटेड सेल्स पे ही जाएगा, सब पे जाके बर्बाद नहीं होगा। सो सिंस इट इज वेस्टेड इन वेरी लेस अमाउंट, सो ऑब्वियसली इट इज सिक्रेटेड इन लेस अमाउंट एज वेल। सो ये बहुत प्रिसाइज होता है। We need a mechanism through which it is done. So, हमें पता लग जाना चाहिए कि कब हमें हार्मोन सिक्रेशन बंद कर देनी है, ओके? तभी आप उतना बना पाएंगे, ओके? समझ लीजिए आपको जरूरत है 8 ग्राम हार्मोन की। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 8 ग्राम होता नहीं है, 8 ग्राम बहुत ज्यादा अमाउंट है। आप 8 नैनोग्राम लगा लो, नैनोग्राम मतलब 10^-9, यानी इस 10 के आगे पीछे आप लोग 9 जीरो लगा दो, इतना कम अमाउंट आपको चाहिए, 10 नैनोग्राम आपको चाहिए, ओके? सो इतना कम अमाउंट जब आपका बनता है तो भी आपका काम हो जाता है। समझ लो आपको 8 नैनोग्राम ऑफ हार्मोन चाहिए, अब आपकी बॉडी ने बिना सोचे समझे बनाया 5, तो क्या आपका काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब आपकी बॉडी ने बना दिया 10, तो आपका काम हो गया, लेकिन आपका 2 नैनोग्राम जो है वेस्ट हो गया। सो आपकी बॉडी ऐसा नहीं करती, आपकी बॉडी बनाती रहेगी हार्मोन और 8 नैनोग्राम पर आके स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि 8 नैनोग्राम पे इसको सिग्नल मिल जाएगा कि हमारा काम हो गया है, आप लोग जो है बंद कर दो। सो इट इज जस्ट लाइक यूजिंग अ टैप फॉर वाटर, आपको उतना ही पानी, अभी क्योंकि ठंडी चल रही है तो आप यू नो गर्म पानी में उतना ही ठंडा पानी मिलाते हो जितना आपको झिल जाए अच्छे तरीके से। ज्यादा ठंडा मिल गया, थोड़ी भी गड़बड़ हो गई, तो बस फिर खत्म हो जाएगा खेल। सो वहां पर आप लोग जो है एकदम परफेक्ट पॉइंट पर आके पानी का नलका बंद कर देते हो, सिमिलरली आपका हार्मोन सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। सो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, जब आपका काम पूरा हो जाता है तो एक आदमी आके बता देता है कि भाई हार्मोन बनाना बंद कर दो, काम हो गया, अगली बार जब काम होगा तो आपको बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुगर लेवल इन ब्लड राइज, आपका ग्लूकोज अगर बढ़ रहा है तो आपका शुगर लेवल ब्लड में बढ़ चुका है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाएंगे। इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन उस ग्लूकोज पर एक्ट करेगा और इसकी कंसेंट्रेशन कम कर देगा। जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, इंसुलिन जो है दोबारा उसके पास सिग्नल चला जाता है कि अब तो हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो आप बनना बंद हो जाओ, तो वो बनना बंद हो जाता है। ऑलराइट, इस तरीके से आपकी बॉडी जो है सारे काम करती है।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम. यहाँ पर आपके सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन जो है दिए हुए हैं. दिस इज इन द केस ऑफ मेल. आप किस तरीके से पहचानेंगे मेल है या फीमेल, आपको सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स की तरफ ध्यान देना है. यहाँ पर आपके जो है दो टेस्टिस प्रेजेंट है, दिस वन एंड दिस वन. सो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द मेल, क्योंकि मेल के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है प्रेजेंट होता है. सेकेंड, यहाँ पर आपकी ओवरीज प्रेजेंट है. सो यहाँ पर जो है आपकी ये फीमेल जो है होगी. ऑलराइट, एंड हियर नो ब्रेस्ट इज शोन. ओके, एंड हियर द ब्रेस्ट अपियरेंस इज शोन. सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो अ कॉमन फीचर ऑफ योर फीमेल. ऑलराइट, सो इस तरीके से आप लोग जो है पता लगा सकते हो. यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी बची हुई चीजें आपकी सेम है. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ ब्रेन. सो हाइपोथैलेमस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द ब्रेन लेक्चर. हियर ऑल्सो द हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. नाउ हियर योर पिट्यूटरी इज प्रेजेंट विच सिक्रीट्स अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स. देर आर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी, इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो यहां पर दो अलग अलग लोब्स प्रेजेंट होते हैं पिट्यूटरी के, जिनका साइंटिफिक नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस. सो आपको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, मैं आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव में समझा दूंगा. यहां पर आपका पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. ओके, बायोलॉजिकल क्लॉक पर दोस्तों आपका नोबेल प्राइज भी दिया गया है, जो दुनिया का साइंस का सबसे बड़ा प्राइज है. वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक पर दिया गया था 2 साल पहले. ओके, सो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर ये बताया कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या रोल होता है. अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको रात में नींद आती है, तो आप अपनी रूम की जो लाइट है उनको बहुत तेज कर दो. सो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसा लगेगा कि दिन है, उसे ऐसा लगेगा दैट द लाइट्स आर मिमिकिंग द सन. जो आपकी ब्राइट लाइट्स होती हैं वो सन की मिमिक्री कर रही हैं, और बेसिकली आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर प्रेजेंट इन अ वेरी लाइटी रूम जहां पर सन सच में है. सो आपको कम नींद आएगी, लेकिन अगर आप डिम लाइट में पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको नींद आ जाएगी. एंड आपकी जो दिन की साइकिल होती है कि आपको इतने टाइम पे सोना है, इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करती है, जिसे आप लोग बोलते हो पीनियल ग्लैंड, और इसको आप लोग बोलते हो सर्केडियन रिदम्स. ओके, सो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे सर्केडियन रिदम्स के बारे में जब आप ग्रेजुएशन में चले जाएंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हो सकता है मैं ही आपको फ्यूचर में पढ़ाऊं, तो आप कनेक्टेड रहना. ओके, सो पीनियल ग्लैंड यहां पर भी प्रेजेंट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर भी प्रेजेंट होगा, कोई डिफरेंस नहीं है. यहां पे गर्दन के पास आपका पता है आयोडीन की कमी से क्या हो रहा था, गॉइटर हो रहा था. सो यहां पर आपका थायराइड प्रेजेंट है. सिमिलरली यहां पर आपका थायराइड फीमेल में भी प्रेजेंट होगा. थायराइड के जस्ट पीछे की साइड आपके पैरा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. यहां पर भी आपके पैरा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, जो आपका पैरा हार्मोन सिक्रेट करते हैं. नाउ यहां पर आपका, यहां कहीं इस रीजन पे आपका थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ओके, सो थाइमस भी आपका दोनों में प्रेजेंट होगा. फिर जो किडनी की कैप होती है, किडनी की टोपी होती है, अगर ये आपकी किडनी है, इस किडनी के सर पे ताज जैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे. ओके, किडनी के ऊपर ताज बन के बैठा हुआ है कोई, वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड. ओके, इससे आपका एड्रेनलिन बन रहा था, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. सो ये भी आपका फीमेल में होगा. ओके, फीमेल भी कम नहीं लड़ती है, सो बेसिकली लड़ाई वड़ाई के हार्मोन दोनों में होंगे. यहाँ पर आपका पेनक्रियाज, जो कि आपका इंसुलिन बना रहा था, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा. सो पेनक्रियाज आपका इंसुलिन भी बनाता है, और आपका एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसको आप लोग बोलते हैं ग्लूकागॉन. सो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं ना, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. ओके, जैसे छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं सारे दिन. सो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बेसिकली एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं. इंसुलिन जो था आपके ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट कम कर रहा था, ग्लूकागॉन जस्ट इसका उल्टा करेगा. ओके, इंसुलिन जो है आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था, ग्लूकागॉन आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. सो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. सो जो इंसुलिन करेगा वो इसका उल्टा करेगा, ग्लूकागॉन. ऐसे हॉर्मोन्स को आप लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक मीन्स अपोजिट. एंटा का मतलब होता है अपोजिट, और जो साथ साथ मिलकर काम करते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना टाइप्स, वो होते हैं आपके सिनर्जिस्टिक हार्मोन. सिनर्जिस्टिक मतलब साथ साथ काम करने वाले. सो एंड में आपके टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, जो आपके बनाएंगे टेस्टिस. नाम से क्या आया, टेस्टोस्टेरॉन प्लस आपका एंड्रोजन्स. आपके जो ओवरी रहती है दोस्तों, यहां पर यह आपकी बनाएंगी एस्ट्रोजन. ओके, यहां पर ऑस्ट्रोजन भी लिखा रहता है किन्हीं किन्हीं बुक में, जैसे कि यहां पर मेंशन था, और आपका प्रोजेस्टेरॉन.
ऑलराइट, सो ये जो है आपका एक प्रॉपर यू नो एक कंपैरिजन हो गया द हार्मोन्स दैट आर सेक्रेटेड बाय मेल एंड द हार्मोन्स दैट आर सेक्रेटेड बाय फीमेल के अंदर. तो यहां पर सिर्फ सेक्स हार्मोन्स डिफरेंट रहते हैं, अदर देन दैट आपके सारे हार्मोन्स सेम है. सो सिर्फ एक ग्लैंड की वजह से यानी सिर्फ सेक्स हार्मोन की वजह से आपके इतने सारे डिफरेंसेस आते हैं मेल और फीमेल में. तो आप देख सकते हैं कि एक हार्मोन कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मीडिएट करता होगा, कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से जो है एक एंड देता होगा. सो आपको ये सब चीजें जो है जानना बहुत जरूरी है. ऑलराइट गाइज, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो, बिकॉज काफी लॉन्ग वीडियोज यहाँ पर बन रही है और काफी अच्छे तरीके से आपका कॉन्टेंट जो है इलेबोरेट किया जा रहा है. एनटीएससी के क्वेश्चंस भी मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ और आपको एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा कंटेंट भी मैं दे रहा हूँ, जिससे आपकी यू नो जो एग्जामिनेशन है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ पाए. आपने अगर हम अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो बिग बेल आइकन बना होता है, घंटा बना होता है सब्सक्राइब के बगल में, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे चैनल की तरफ से आने वाली हर वीडियो का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए. फिलहाल जो हमारा टाइमिंग है दोस्तों, हम लोग 10 से 11 के सुबह के स्लॉट में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं. उसके अलावा भी मैं कभी कभी बीच बीच में लाइव आता रहूंगा, सो आप लोगों को पता लग जाएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती जाएगी. उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं और पर्सनली हम लोगों से लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वहां पर हमारे जो पेड कोर्सेज है उनमें एनरोल कर दीजिए. आपको एनरोलमेंट के टाइम पे अगर कुछ डिस्काउंट चाहिए तो मेक श्योर दैट यू यूज कोड विपिन लाइव, बिकॉज आफ्टर यूजिंग कोड विपिन लाइव यू विल ऑब्वियसली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, इसके अलावा भी आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप विपिन शर्मा बायोलॉजी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर जाकर मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे इन कोर्सेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज. थैंक यू.